स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरजादा में मेरी आज की मेहमान है सनम बलोच। आप जानते हैं मैंने उनके साथ कितना काम किया है। कभी वो मेरी बेटी बनी है और कभी वो मेरे कैरेक्टर का यंगर वर्जन, यानी दुरेश एवार की बात कर रही हूँ मैं। हमने बहुत मज़ा किया है, हमारा एक बॉन्ड बन गया था, लेकिन वो बॉन्ड सेट से बाहर भी रहा। आज हम उनसे मिलेंगे और सारी बातें करेंगे और ये भी पूछेंगे कहीं भूल तो नहीं गई मुझे। आइए मिलते हैं सनम बलोच से। सनम, थैंक यू सो मच मेरी जान। हमारी आई थिंक जब एक्टर्स हम साथ में काम करते हैं ना, कैरेक्टर्स तो रह जाते हैं ना पीछे, बट आई थिंक जो बॉन्ड है ना वो साथ चलता है, है वो हमेशा के लिए रह जाता है। यस, तो आई थिंक जब बेटी बन जाओ या यू नो यू प्लेड माय मी दोस्ती, अगर वो जो सोल की दोस्ती होती है ना, वो आई थिंक दास्तान में हुई, दास्तान से शुरू हुई थी, है ना? Exactly. आई थिंक वो कैरेक्टर भी वैसा ही था कि जो जो लोग उसमें शामिल थे और जिस तरह हम काम करते थे, और गर्मी तो कोयले, धूप, बारिश, आई थिंक हर सम में ये क्वालिटी है कि आई थिंक अपने एक्टर्स को साथ रखता है, क्योंकि आई थिंक हमने जब भी उसके साथ काम किया है आई थिंक वी वेंट बियॉन्ड, है ना? हमने नूरपुर की रानी किया, हमने ये किया, दास्तान किया, हमने दुरेश एवार किया, हमने इसके अलावा बाकी डायरेक्टर्स के साथ ही, तो मैं वो काम बता रही हूँ सिर्फ हमने हायसम के साथ किया। यू नो, बट आई मिस यू, डू यू नो दैट आई मिस वर्किंग विद यू। ओह, सेम हियर, ट्रस्ट मी। आई थिंक था कुछ एक खास किस्म का था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। इनफैक्ट मैं तो ड्रामा ही मिस कर रही हूँ अब इतने टाइम से। मुझे लग रहा है कि बहुत साल से मैंने ड्रामा उस तरह नहीं किया जो ड्रामे दुरेश एवार, दास्तान, दाम, दौराहा, ये सब बन रहे थे। मॉर्निंग शो में मैं सोचती हूँ तो मिस नहीं करती हूँ, एक एक्टर के लिए तो यू नो उसकी जान होती है एक्टिंग। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत मिस करती हूँ और इस वजह से, लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश थी कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रामा ना करूँ, टू मच ना करूँ, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा सेम लगने लगेगा, चेंज नहीं लगेगा। इसलिए मैं कभी कभार आऊँ, थोड़ा आऊँ, ज़्यादा ना आऊँ, बट वही हमारा वही बैक टू बैक वर्क होता है। आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे चलना शुरू हो जाते तो लगता है कि आपने गैप नहीं दिया, लेकिन मैं तीन तीन महीने का गैप हमेशा लेती थी। मॉर्निंग शो अक्सर ये लोग, शायद आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों नहीं समझते। लोग समझते हैं कि मैंने एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दी है, तो हमने बीच में बहुत बिल्कुल छोड़ दी थी, बट दोबारा मैंने एक प्रोजेक्ट किया, मैंने एक थी मरियम किया मेरे मॉर्निंग शो के होते हुए, और अब मैं दोबारा स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ कि कोई स्क्रिप्ट मुझे बस दिल को लगे ना, तो आई डू दैट। अजीब नहीं से कि यू नो मॉर्निंग शो में यू आर देयर विद एनर्जी और एक्सट्रोवर्ट, एक्टिंग में इतना इंट्रोवर्ट होना, इतना एक्टिंग में आप कुछ और हो, कुछ और एक्टिंग में मैं कभी बानो हूँ, कभी मैं शैला हूँ, कभी मैं दुरेश एवार हूँ, मैं किसी और का किरदार प्ले कर रही होती हूँ, मैं किसी और के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही होती हूँ कि दुरेश एवार को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। इसमें तुम अपने आप को एक्सपोज करती हो, ठीक है? और ये नहीं, मॉर्निंग शो बहुत आसान है, उसी पे कह रही हूँ, इट्स मी, आसान है, बहुत आसान है। समझती हूँ मुश्किल नहीं है कि आप रोजाना लोगों के सामने होते हैं। एग्जैक्टली, मैं मुझे और अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं, वो आप, आपका सच सबको पता चल रहा होता, मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। मुझे इसलिए मजा आता है, मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता है। इफ आई एम अपसेट, मैं बताती हूँ आज मैं बहुत अपसेट हूँ, आपको पता है रात को मैं बड़ा दुखी थी, आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे, मैं बता नहीं सकती बट कोई चीज़ है उसके लिए दुआ करें, तो मैं लोगों से बात करती हूँ, मुझे लगता है कि, और मैं जब अब लाइव शो नहीं करती तो आई मिस दैट कि यार मेरे लोग कहाँ गए, आई वॉन्ट देम, कहाँ होगी तो मुश्किल नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। अब तो मुझे लाखों लोगों से डेली बात करने की सुबह आदत हो गई है, तो नॉर्मल तो नहीं हो सकती ना फिर तो। मैं नॉर्मल मैं मिस करूंगी ऑब्वियसली। मैं अभी भी अगर छुट्टियों पे जाती हूँ मैं मिस करती हूँ कि अरे यार, मुझे लगता है मैं अब हर किसी की फैमिली का हिस्सा हूँ, एज एन एक्टर हिस्सा हूँ ना। क्या हुआ? अच्छा, गला एक तो मॉर्निंग शोज मैंने बीच में रिकॉर्ड करवाए तो उससे, उसकी वजह से मेरा काफ़ी ख़राब हुआ, लेकिन
मेन जो रीज़न है मेरे गले ख़राब होने का, एक तो जब मैं स्ट्रेस लेती हूँ सबसे पहले मेरे गले पे आता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा अगर लाउड बोलूँ या क्या, और मौसम चेंज होता है मेरे गले पे आता है। और दूसरा, अगर मुझे स्ट्रेस हो या कुछ हो तो मुझे नींद आती है, तो मैं नींद से सो के उठती हूँ तो मेरा गला और बैठ जाता है। तो इसका मतलब है कि अंदर का मौसम भी ख़राब है, अंदर का मौसम भी ख़राब है और गला भी ख़राब है और मौसम चेंज हो रहा है गर्मी से सर्दी और स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस भी, और ट्रैवलिंग साथ में, फिर रिकॉर्डिंग बाद में आएंगे। या हाँ, हम जाते हैं थोड़ा सा तुम्हारे बचपन में। श्योर, ठीक है, प्लीज शुरू करते हैं कि तुम लोग कितने बहन भाई हो, तुम कहाँ पैदा हुई, माँ बाप क्या करते थे, मुझे थोड़ा सा अपने बचपन में ले जाओ। अच्छा, बचपन में मुझे खुशी हो रही कि आप मुझे लेके जा रही हैं, क्योंकि मेरा बचपन बड़ा धुंधला सा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब मैं 3 साल की थी तो अम्मी अब्बू अलग हो गए थे। अच्छा। तो अम्मी अब्बू दोनों कजिन्स थे, नहीं बनी और अलग हो गए, तो आधे बच्चे, लाइक आधे बच्चे से मुराद के मेरी 2 बहनें और 2 भाई और मैं अब्बू के पास थे। और क्योंकि हमारा ताल्लुक सिंध, इंटीरियर सिंध से है, तो ज़ाहिर है मर्द के पास बच्चा होगा, औलाद मर्द के पास होगी, माँ के पास नहीं होगी। तो हम अब्बू के पास होते थे एंड मैं सिर्फ 3 साल की थी, जो मुझे मेरी बहनें या अम्मी लोग बताते हैं। तो अम्मी ने बड़ा स्ट्रगल करके और उस दौर में भी और बहुत लड़ के झगड़ के बहुत कोर्ट के थ्रू हमें लिया हमारे फादर से, और हमारा वो वडेरा सिस्टम एंड वो वाले के जी चचा एंड दादा, तो ज़मीन उस सिस्टम के खिलाफ अम्मी खड़ी जी, अम्मी ने स्टैंड लिया। तो उन्होंने फिर कोर्ट के थ्रू हमें लिया। तो ये हुआ कि जी आधे जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो तो माँ के पास ही रहेंगे, जिनमें से एक मैं थी, मेरा एक छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई। मैं तब तक आई थिंक 4 साल 5 साल की थी। तो ये था कि बाकी जो इससे बड़े हैं वो दोनों तरफ जाएंगे, 15 दिन वहाँ पे, 15 दिन वहाँ पे। तो ये हुआ, तो होता ये था, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी बहन है, फिर एक और बहन सबरीन, उसके बाद भाई, फिर एक और भाई, फिर मैं, और फिर मेरे बाद एक और छोटी बहन जो हमारे स्टेप फादर से हैं। अच्छा। तो हम माशाल्लाह 6 भाई बहन हैं आपस में। तो मेरा बचपन जो था, मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी अब्बू के शायद झगड़ों में या लड़ाइयों में या जो भी इश्यूज थे, मैंने नहीं देखे, मैंने खुद वो विटनेस नहीं किए, तो मैं कुछ बात नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ सुना है। उसमें कहीं खो गया, मतलब कभी आप ददियाल जा रहे हो, कभी आप ननियाल जा रहे हो, कभी जी ददियाल से कोई आ रहा है कि नहीं बच्चे हमारे तो हम लेके जा रहे हैं, तो शायद उसमें कहीं कुछ रह गया। मतलब मुझे याद नहीं कि जी कोई एक ही घर हो तो मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा हो अपनी कजिन्स के साथ या कुछ। फिर हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हुए, मैं बहुत छोटी थी और अम्मी की तरफ ही थे, फिर हम लोग, हम सारे बच्चे फिर अम्मी के पास थे एंड वो झगड़ा ख़त्म हो गया था, क्योंकि फाइनली बच्चे अगर माँ के पास रहना चाहते तो माँ के साथ रहेंगे, तो हम उनके साथ रहते थे। और हमारे स्टेप फादर, उनमें से हमारी एक छोटी बहन जो हमारी जान है, हमारी ज़िंदगी है, और बस। तो इस तरह, तो एज सच मुझे गुड़ियाओं के साथ खेलने का, अपने कज़िन्स के साथ खेलने का मौका नहीं मिला, दरख्त चढ़ने का और शरारतें करने नहीं का। वो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने वो अपनी जो एक चीज़ थी वो मैंने पता है कब निकाली, व्हेन आई वाज 13-14 मे बी। तो उसके बाद जब मैंने शरारतें की है ना, मैंने पूरी कसर निकाली अपने बचपन की एंड स्टिल आज तक। जो मेरी नानी बात करती थी वो कोई बात नहीं करता, जो मैंने अपनी नानी से सीखा है, मैंने किसी डिग्री याफ्ता शख्स से वो बात नहीं सीखी। तो वो जो तुम लोग एक स्टेट में रह रहे थे, या टोटल एंड एब्सोल्यूट जैसे कहते हैं ना, ड्यूरेस, वो बिल्कुल यू नो बोझ है, ऐसा जब होता है फैमिलीज में exactly. तो बच्चों को बहुत बोझ महसूस होता है और वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर। अच्छा, मैं शायद इसलिए, मुझे लगता है कि मैं लकी को इसलिए कहूंगी कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे तो याद ही नहीं कि 3-4 साल में क्या हो रहा था, बच्चे को याद तो बड़ों नहीं ने लिया फिर वो सारे। बड़ों ने स्ट्रेस आई एम श्योर के लिया होगा, बट हमारी अम्मी ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया। समीना जी, मैं आज भी ये कहती हूँ, लोग कहते हैं कि शायद लाइव शो में भी कहते हूँ कि मे बी ये कोई प्रोमोट कर रही है कि इस चीज़ को कि जी अलहदा हो जाए, अगर मेरे माँ बाप साथ रह रहे होते, अगर मैं उनके झगड़े देख रही होती, अगर मेरे बहन भाई झगड़े देख रहे होते, या अगर मेरे फादर ने कभी मेरी माँ को कुछ कहा हो, या खुदा खासा हाथ उठाया हो, मेरी माँ ने बदले में कुछ कहा हो, या खानदान आए हों, बीच में बैठे हों,
बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफ गुजारते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते. बट हम उन खुशकिस्मत लोगों में से जिनकी माँ बहुत स्ट्रांग थी, तो अम्मी ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया. हमारे सामने हमें कभी झगड़ा देखा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं कि माँ बाप झगड़ा भी कर सकते हैं. अम्मी को स्ट्रेंथ कहाँ से मिली थी? अम्मी या अम्मी में बहुत, अम्मी ने उस दौर में भी, अम्मी बताती हैं कि अम्मी को एजुकेशन में पढ़ी, अम्मी लड़कों की क्लास सिर्फ एक वाहिद एक औरत थी, और अम्मी ने जो है वो एमए किया. अम्मी टीचर थी, अम्मी ने फिर बैंक में काम किया एक गांव से निकलकर वो सब. और ये उनकी अपनी वालदा भी ऐसी थी? नहीं, मेरी नानी अम्मा ने. बट मेरी नानी अम्मा, लोग कहते हैं ना कि पढ़ना डिग्री ये PhD तो ब्ला, मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी नानी का शऊर देखा है. मैं कहती हूँ किताबें चाटने से कुछ नहीं होता, किताबें वो होती हैं जो आप लोगों को पढ़ते हैं. मेरी नानी ने ज़िंदगी को पढ़ा, लोगों को पढ़ा, लाइफ को देखा, और उनका शऊर, और मेरे सामने आप कोई एक फ़लसफा पढ़ने वाला शख्स लेकर आए, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. जो मेरी नानी बात करती थी वो कोई बात नहीं करता. जो मैंने अपनी नानी से सीखा है, मैंने किसी डिग्री याफ्ता शख्स से वो बात नहीं सीखी. मेरी नानी ने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा कि स्कूल होता क्या है. नहीं, ये पुराने लोगों में था, शौर था. हाँ, बिल्कुल था. बट अभी भी है समीना जी, विजडम था, अभी भी धरती का विजडम होता है ना, वो था उनके. और अब वो मिसिंग है. हमने वो विजडम जो है वो हमने डिग्रियों में, हमने ये अपने माइंड सेट कर लिए कि वो डिग्री में ही मौजूद है. नहीं, इट्स नॉट अबाउट डिग्री. ये आप, मैंने पढ़े लिखे, हम वो टर्म यूज़ करते हैं ना, पढ़े लिखे जाहिल भी देखे हैं, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो मैंने शऊर वाले भी देखे हैं. मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया. कैसे थे मेरे नाना? जान, जिंदगी, और बहुत प्यार करने वाले. सुबह सुबह अपनी ज़मीनों पे जाते थे, एंड वो एक बड़े पढ़े लिखे शख्स. एंड मेरे दादा जो है वो उस दौर में अपने जो बहुत बड़े ऑफिसर, अभी मैं बताती हूँ कि मैं बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया कि वो काफ़ी टाइम हो गया उनकी डेथ को. तो नाना जाते थे, ज़मीनों पे जाते थे और वापस आते थे, तो फ्रूट्स लेकर आते थे. तो वो सब तो मुझे याद है, जब मैं थोड़ा सा बड़ी हुई, मैं उनका फेवरेट बच्चा थी. जब मैं कहती नाना मेरे लिए, उनको पता तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें लाते थे. तो बाद में ये हुआ कि जब हम शहर में, फिर आप निकल गए, फिर अम्मी अब्बू वाला, क्योंकि एक ही ख़ानदान ना, चचा दोनों भाइयों के घर में शादी दी थी बिल्कुल, बेटी बिल्कुल. तो ददियाल बिल्कुल अलग हो गया हमसे, ननियाल अलग हो गया. तो उस वजह से वो रिश्ते थोड़े से टूट गए, बिखर गए. इट हैपेंस जब ख़ानदान में शादी होती है, तो अगर वो खुदा खास्ता टूटे तो दो ख़ानदान अलग हो जाते हैं. तो बहुत प्यार करते थे, बहुत शफीक इंसान, और टॉफीज अपने पास रखते थे हर वक्त जेब में. तो हर बच्चे को टॉफ़ी देते थे, और हर रोज़ वो हर बच्चे को पॉकेट मनी देते थे. सब बच्चों की ड्यू होती थी कि हमारे जितने भी ख़ानदान में खालाओं के, मामू, सारे बच्चे, हम दादा के पास जाके नाना के पास रुक जाते थे. तो नाना को बताता था, नाना की ना ऐसी गड्डियाँ जेब में भरी हुई होती थी, हमें पैसे नज़र आते थे. और ये ईदी मिलती थी या रेगुलर? नहीं नहीं, ये रेगुलर ईदी अलग होती थी और ईदी अलग होती थी. और ईदी जो मुझे याद है, बाकी कजिन्स को मे बी लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो अलग से आपको छुपके भी ज़्यादा देते थे तो मुझे नहीं पता. बट मुझे ये कहते थे, देखो तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, बाकियों को 50-50 दिए, तुम्हें ज़्यादा दे रहा हूँ. तो मुझे होता था मैं ज़्यादा फेवरेट हूँ. अब दूसरों को भी ये इतने देते थे, ज़्यादा देते थे, ये मुझे नहीं पता. क्या याद है, मेमोरी क्या है बचपन की, सारे झगड़ों के अलावा? मुझे झगड़े याद नहीं, तो वेरी मुझे झगड़े याद नहीं. ये तो हो रहा था, ये हो रहा था जो मैंने बाद में सुना कि हुआ है. तुम्हें क्या याद है? मुझे क्या कर रही थी, गुड़ियों से खेल रही थी, कुछ लिख रही थी, या चुप करके कोने में बैठ के सोचती थी? मुझे जो था, मैं वही आपको बताया कि हमारा वो सफ़र में ज़्यादा टाइम गुजरता था. कभी हम नवाबशाह में, बाय द वे मैं पैदा हुई थी नवाबशाह हॉस्पिटल में, मैं और मेरा कज़न एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे. तो अली उसका नाम है. तो हम लोग 14 जुलाई को वहाँ पर पैदा हुए, और फिर वो आना जाना सफ़र. और नवाबशाह से हैदराबाद आते थे? हाँ, थारूशा एक शहर है जो मेरा ननियाल है, नौशहरो फिरोज जहाँ मेरा ददियाल है. और ये कितने घंटे का सफ़र होता था? 15 मिनट का. और फिर हैदराबाद जो था वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे. तो हम हैदराबाद से आते थे, ईद पे हमारा मस्ट होता था जाना. तो मुझे ईद याद है कि मेरा पूरा मैचिंग पे कपड़े, मेरे शूज़, तो मेरे बैंड सब मैचिंग पे होने चाहिए, चूड़ियाँ, क्योंकि मैं सबकी फेवरेट हमेशा ख़ानदान में बच्ची रही हूँ, अपनी माँ की भी, अपनी बहन भाइयों की, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तब तक छोटी वाली अभी पैदा नहीं हुई थी. तो जब वो पैदा हुई मैं उसकी भी लाड ली हूँ.
छोटी की भी मैं ही लाडली हूँ, तो वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो ये मुझे ईद याद है कि हम एक्साइटेड होते कि ईद पे जाना है, फिर मैं ट्रॉफीज लेके जाती थी नाना के लिए जब मेरे पास पैसे जमा होते थे। सीरियसली? फिर मैं लेके जाती थी। और ये पैसे कहाँ से जमा होते थे? मेरे पास जब ईदी या मेरी पॉकेट मनी जमा होती थी या जो मुझे अपने लिए पैसे मिलते थे, फिर मैं नाना के लिए लेके जाती थी बैग में लेके, ना नाना आपके लिए लेकर आई हूँ। सो जब बड़ी हो रही थी और टीनेजर थी, अब्बू के साथ क्या रिलेशनशिप था? अब डिसाइड हो गया था, मैं बता रही हूँ, हमारे के पास सब अलग हो गए। हाँ। तो बहुत साल तक मैंने अपने फादर को नहीं देखा। अगर मैंने अपने फादर की पिक्चर्स ना देखी होती तो मुझे अपने फादर याद ना होते कि वो कैसे दिखते हैं। मुझे धुंधला सा, वही मैं कह रही हूँ कि मुझे अपना बचपन बड़ा धुंधला सा याद है, तो मैं बहुत धुंधला सा मुझे याद होता, लेकिन मैंने पिक्चर्स देखी हुई थी तो मुझे याद थे। फिर मैंने एक दिन उनको रात में कॉल की और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि जब थोड़े से बड़े हुए, जब फ़ोन हाथ में आए और वो आई कॉल्ड हिम एंड मैंने उनसे बात की। अभी इस वक्त तुमने काम नहीं शुरू किया? अभी काम नहीं शुरू किया था। तो मैंने कहा, अच्छा मैं डर भी रही थी ना कि पता नहीं डांटेंगे। हम बड़ा बहुत डरते हैं, मतलब इवन आज मैं अपने भाइयों से बहुत डरती हूँ, मैं अपने फादर से बहुत डरती हूँ, मतलब और हर कोई डरता होगा ऑब्वियसली, काम करते हैं। हाँ, रिस्पेक्ट है, आई थिंक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि कोई गलती हो जाए तो डर होता है कि चाहे आप जितना भी काम कर लो, आपके पास जितना भी फ्रीडम है, बट रिस्पेक्ट और डर है वहाँ पे। तो मैंने बाबा को कॉल किया और मैंने कहा कि बाबा मैं सनम बात कर रही हूँ। तो वो बहुत खुश हुए और फिर उनका मुझे मिलना है तुम लोगों से। तो अम्मी ने कभी मना नहीं किया, मैंने कहा तुम लोग मेरे फादर, तुम लोग मिलो। और फिर मुझे याद है शायद 13 साल की थी 12 साल की थी, तो मैंने फिर अपने फादर से मैं मिली थी एंड आई हग्ड हिम एंड आई मेट हिम आफ्टर सो मैनी ईयर्स, फॉर मी सो मैनी ईयर्स। तो बस इसी तरह वो हुआ, तो मैं मिली। उसके बाद हम लोग बात करने लगे, फिर हम लोग मिलने लगे। तो मैं वो ब्रिज थी। शादी नहीं की? नहीं, माशाल्लाह उन्होंने भी शादी की, उनके भी बच्चे, उनके भी, उनमें से माशाल्लाह 4 भाई हमारे। या सो इट्स अ ह्यूज फैमिली। तो मिलती हो? ह्यूज, पूरा एक मिलती हो अपने? हम मेरे सारे छोटे भाई जो हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं मुझसे, आते हैं, मैसेज करते हैं। तो रीजन हो सबको जोड़ने का? मैं आई थिंक ब्रिज थी फैमिली में। हाँ, और मैं अभी भी ब्रिज हूँ। और हमारी जो मेरे बाबा की जो सेकंड वाइफ है, वो जो है वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। वो हमारे साथ आती है, हमसे मिलती हैं, हम लोग मिलते हैं और हम लोग बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, भाई आते हैं, वो मुझसे लाड करते हैं, मुझसे बात करते हैं, हमारे साथ मैसेजेस पे हम आपस में सब नॉर्मल है, मतलब बड़े भाई बहन हम सब मिलते हैं आपस। तो शो बिजनेस में कैसे आ गए? शो बिजनेस में आना भाई हमारे खानदान के लिए बेइज्जती की बात थी, यू नो कि ओ कि शो बिजनेस में आना तो गाली। स्कूल में करती थी ड्रामा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती थी, मैं बहुत शाय थी, मैं बहुत शाय थी। मैं हाँ पढ़ने में आई वॉज गुड, मैं आगे आगे होती थी, लेकिन अगर स्टेज पे थोड़ा सा डांस करना है तो मुझे नहीं आता था। मुझे कहते थे नहीं बेटा अपना डांस नहीं, गाने का। फिर मुझे होता था चलो मैं कुछ गा लूँ, बेटा नेक्स्ट टाइम ठीक है ना, गाने गाने। वैसे मैं स्कूल में भी सबकी बाय द वे कोई ड्रामा नहीं किया स्कूल, कभी ड्रामा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कभी मीडिया का नहीं सोचा। जब मैं हमेशा ही बताती हूँ, आज आपके शो में बता रही हूँ कि प्रिंसिपल ने आके सबसे पूछा कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, तो मैंने क्या जवाब दिया होगा? मैंने कहा था मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी पाकिस्तान की। वो किस तरह ख्याल है? आई डोंट नो, बेनज़ीर की वजह से आई डोंट नो। मैंने कहा मैं ही बनूंगी। मैं बहुत, तो ना मेरे सारे जो क्लास में लड़के थे हंसने लगे। मैंने कहा देखे भाई आप इतना नीचे सोचेंगे ना तो नीचे रहेंगे, मैं इतना ऊपर सोच रही हूँ कहीं तो पहुँचूंगी। तो मैंने कहा तो इसमें हंसने की क्या बात है? तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि आपको पता है उसके लिए कितने करोड़ों रुपये चाहिए होते हैं? मैंने कहा कि हाँ तो हो जाएंगे, आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था तब कि करोड़ों कितने होते हैं, पैसे क्या होते हैं। बस मुझे ये था कि ड्रीम है, ड्रीम तो ड्रीम है, वो पूरा हो सकता है, तो ये ख्वाब है मेरा, ये मेरा पहला कदम कैसे लिया। तो फिर ये हुआ, उसके बाद मुझे था कि अच्छा, फिर मुझे लगा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर बनना तो नामुमकिन बात है, ये तो खानदान दर खानदान ये चीज़ चलती आती है, दवाई कोई नया बंदा तो आ नहीं सकता, वरना मैं जरूर मेहनत करती हूँ। हाँ, आई वाज सीरियस अबाउट इट। देन मैंने सोचा कि यार मैं पायलट बनूंगी, मैं जहाज उड़ाऊंगी, मुझे पायलट बनना है। फिर मुझे किसी ने आते जाते किसी ने कहा कि जी आपको सांस की तकलीफ है, तुम कभी पायलट नहीं बन सकती क्योंकि मेडिकली तुम्हारा वो। तो मैंने अपना वो ड्रीम छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा मैं पायलट भी नहीं बन सकती, लेकिन मैंने कहा मैं कोई ऐसी नौकरी नहीं करूँगी जिसमें 9 से 5 बजे बैंक वाली जॉब, ये मैंने नहीं करना, कुछ और करना है। क्या करना है मैंने नहीं सोचा। फिर उसके बाद मैंने नहीं सोचा मैंने क्या करना है।
और डॉक्टर मैं डॉक्टर बनना इंजीनियर नहीं मुझे नहीं था शौक मैं डॉक्टर तो बिल्कुल भी शौक नहीं था होस्टेस बनना नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं और डॉक्टर बनना तो बिल्कुल भी शौक नहीं था मैं आज तक भी किसी कॉकरोच को मार नहीं सकती तो मैं किसी का ऑपरेशन कैसे करूँगी तो मुझे ये होता था कि मैं वो मेंढक को वो काट के उसको वो प्रैक्टिकल्स होते पता नहीं क्या होते कि मैं कैसे करूँगी आई कांट डू दैट तो मैंने हमेशा कंप्यूटर साइंस लिया ही लिया मतलब मुझे इन चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाना कालक जिसमें मुझे गंजा किया था उन्होंने मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो उर्दू बोल ही नहीं सकती पागल हूँ मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि मैं ही कर ही नहीं सकती तो मुझे अच्छा ड्रीम छोड़ दिया कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनना अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर मुझे पता था कि ओके फाइन मैं नहीं बनना ये नहीं और जहाज भी नहीं उड़ाना जहाज नहीं उड़ाना फिर मैं थी 14 साल की तो मैं सबरीन ने होस्टिंग शुरू कर दी थी सबरीन एक सिंधी चैनल तो मैं जाकर उसके साथ ऑडियंस में बैठती थी मैं ऑडियंस में बैठती थी ताली बजाती थी मेरी बहन वहां पे कुछ करती थी मैं ताली बजाती थी वाह वो कैसे पहुंच गई केटी अब उसको वो तो भाई माधुरी दीक्षित हमारी खानदान की तो वो हमको आजकल है इंतजार तो शीशे के सामने साड़ियां पहन के तो दुपट्टे वो करके सामने पंखे चला के और वो डांस करना वो एक्टिंग करना होस्टिंग करना वो वैसी थी शीशे के सामने एक्टिंग करने वाली तो वो उसका ड्रीम था वो उसका ड्रीम था वो उसका ड्रीम था और एक बच्चा खामोशी से उसको देख रहा है बहन के ख्वाब देख और मैं उसको हाँ वो उसको देखती थी उसके बाद ये हुआ कि मैं जब उसके साथ जाती थी सेट पे तो मुझे किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं करती मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं आता मैं कैमरा के सामने नहीं आ सकती फिर मैंने सिंधी में होस्टिंग की जब मैं 15 साल की थी तो मेरी फील ही चेंज हो गई तो मेरी फील मेरा ये काम बन गया मेरा ये ड्रीम बन गया मेरा ख्वाब खुद ही ये एक चीज़ बन गई जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा क्यों झूठ बोलूं कि मैं तो फिर हमेशा तो ये तो होस्टिंग कर रहे थे ना तो फिर एक्ट्रेस का किस एग्जैक्टली फिर एक्टिंग का ये हुआ कि मैं जब होस्टिंग कर रही थी तो आई कॉल्ड फहद मुस्तफ़ा कि तुम मेरे शो में आओ KTM के एक शो पे मैं सिंधी चैनल पे काम कर रही थी उसने कहा यार मैं आजकल ना अब काम मैं उर्दू मीडिया में ज़्यादा काम कर रहा हूँ वहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं ऐसा करूँ तुम एक ड्रामा है वो करो आतिफ हुसैन का कालक जिसमें मुझे गंजा किया था उन्होंने मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो उर्दू बोल ही नहीं सकती पागल हूँ मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं नहीं कर सकती ड्रामा मैंने नहीं करना तो उसने कहा यार तुम मिलो तो सही तो मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे तब अब तो ब्लू ड्राई कर करके और इतने सालों में बिल्कुल बाल ख़त्म हो गए हैं तो लंबे बाल और वो तो है ना तो शक्ल भी मासूम सी तो तब और आप इतने साल पीछे तो उसे कहा यार मैं ऐसी कोई लड़की चाहिए आतिफ को जिसमें उसको गंजा कर देते हैं और तो इस तरह का कोई कैरेक्टर है तो मेरी बहन ने कहा करो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती एक्टिंग उसे कहा नहीं तुम करो तुम कर लोगी मुझे पता है तुम्हें वो चीज़ है तुम कर लोगी मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा था सबरी ने कहा नहीं सनम नहीं कर सकेगी नहीं करने दें सबरीन को ये था कि नहीं कर सकेगी ये शाय है मतलब भी इससे नहीं होगा मैंने जब काला किया तो समीना जी वो एक हम हमेशा सुनते ना कि रात में आप स्क्रीन पे और सुबह हिट हो गए जिस दौर में मैं आई उस दौर में वो ज़माना नहीं था PTV नहीं था कि रात में आप आएँ और सुबह हिट हो जाएँ बट ट्रस्ट मी मेरी वो छोटी जो शॉर्ट फिल्म थी कालक या टेलीप्ले था छोटा प्ले था वो मैंने रात को किया एंड मुझे रात में कॉल सबरीन को कि सबरीन ये तुम्हारी बहन है क्योंकि उसमें मैं गंजी भी हुई तो मैंने बहुत एफर्ट करके कि यार मुझे पूरी एक्टिंग करनी है मुझे अपना बेस्ट देना है तो वो फिर मैंने छोड़ दिया बीच में फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे एक्टिंग नहीं करनी मेरे लिए मुश्किल है फिर मैं हुमायूं सईद ऐसा नहीं कि मैं हुमायूं सईद को देखने मैं बहुत छोटी थी बच्ची थी तो देखने जाती थी बट ऑब्वियसली वहाँ पे हुमायूं सईद होते थे वहाँ पे अदनान सिद्दीकी होते थे वहाँ पे आयशा खान और सबरीन ड्रामा कर रही थी तो मैं वहाँ पे सेट पे जाती थी देखने के यार जाऊँ ज़रा मिलूँ तो मुझे हुमायूं ने एक दिन कहा कि तुम क्यों नहीं काम करती मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आता मुझे नहीं करना और सेट पर एक दफ़ा ना किसी का झगड़ा हो गया था जब मैंने काला किया था मैं सहम गई थी डर गई थी मुझे झगड़ों से बहुत डर लगता है मुझे लाउड होने से बहुत एक होता है कि अब थोड़ा सा मैं खुद भी हो जाती हूँ क्योंकि काम के साथ मुझे लगता है वक्त आपको चेंज कर देता है लेकिन शुरू में मैं बिल्कुल भी वो नहीं थी तो फिर मुझे हुमायूं ने कहा तो हुमायूं ने वाकई फिर महरीन जब्बार का मुझे ड्रामा पहला ऑफर हुआ दोराहा उमेरा अहमद ने लिखा और उसमें हुमायूं सोनिया उसमें थी और मुझे किसी ने कहा सबरी ने कहा तुम्हारी सोच है महरीन जब्बार उमेरा अहमद हुमायूं सोनिया तुम्हें कितना बड़ा ड्रामा मिला है तुम्हारी सोच है मैंने कहा अच्छा फिर मैंने वो किया
स्टेप फादर से कैसा रिलेशनशिप है? मेरा बहुत अच्छा हमेशा रहा उनसे, क्योंकि शायद मुझे बहुत छोटी थी तो मेरी उनसे एक अटैचमेंट थी, तो मेरा उनके साथ हमेशा अच्छा रहा। बहन भाइयों में किसके करीब? बहन भाइयों में कमाल की बात, हम सारे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मैं कहती हूँ हम एक दूसरे के माँ बाप भी हैं, चाचा मामा भी हैं, ताया पप्पू भी हैं, दोस्त भी हैं, हम सब कुछ एक दूसरे के हैं, हम बहन भाई हैं। तो ये कहाँ से, ये हिस्बानी कहाँ से नाम आया? जैसे सैयद में बहुत सारी कास्ट होती है, बलोचों में बहुत सारी कास्ट होती है, मरी बलोच। Why you not हिस्बानी? मेरे सर्टिफिकेट में बचपन से वो जो बलोच लिख दिया गया तो मेरे नाम से सनम बलोच ही कंटिन्यू किया गया। उनके नाम से जो हिस्बानी लिखवाया गया तो वो नाम फिर उसी तरह चला। बट लोग समझते हैं कि जी ये सगी बहनें नहीं है या ये अलग है, तो ऐसा नहीं है। जैसे सैयद में बहुत सारी कास्ट होती है, इस तरह बलोचों में बहुत सारी कास्ट। हम हिस्बानी बलोच हैं। तो मेरे नाम से बलोच, तो वो मैंने बलोच को ही कंटिन्यू किया। सबरीन को अपना हिस्पानी अच्छा लगता है तो वो हिस्पानी लिखा हुआ था। आपकी फैमिली में कितनी जबानें बोली जाती हैं? हमारी फैमिली में नाना और नानी जब आपस में बोलते थे, हमसे बड़े प्यार से बात की, आपस में झगड़ा किया सराइकी में है, उसी वक्त सराइकी आ जाती थी। ठीक है, या कोई बात आपस में उसी वक्त सराइकी में बात करते थे, हमसे सिंधी में बात करते थे, और हम लोग घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी वो सिंधी में बात करते हैं, और अगर बाहर जाते हैं या स्कूल जाते हैं। फारसी नहीं थी कहीं पर भी? फारसी नहीं थी, बट हम जो है माइग्रेट करके, हम बलोच जो है वो ईरान से हम लोग माइग्रेट करके, जो हमारे बड़े थे वो वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान में यहाँ पे आए। हम सिंध में आए तो हम सिंधी ज़्यादा बोलते हैं। वो कैसे आ गई सराइकी? सराइकी जो है वो नाना नानी वो लोग बोलते थे, और उनके अम्मी अबू, तो वो कई सालों से लाइक, फिर वो जो माइग्रेट करके जब हम ईरान से वहाँ पर आए। मैं सिंधी तो हम लोग बोलती हैं, उर्दू हम लोग बोलते हैं, और सराइकी टूटी फूटी बोल लेते हैं, बाकी जहाँ पे अंग्रेजी का काम चलाना वहाँ पे अंग्रेजी का काम चला लेते हैं, जहाँ पे बलोची का काम चलाना वहाँ पे थोड़ा सा बलोची का काम चला लेते हैं। तो इस तरह की पांच छह, जब ये एक्ट्रेस पंजाबी तो ऑब्वियसली वो सब तो सराइकी है, तो पांच छह जबाने मतलब कि आप प्ले कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। किस किस्म के मर्द अच्छे लगते हैं? जो बाकी मर्द हों, जो सही मायनों में मर्द हों, जो इंसान के बच्चे हों, जो झूठे ना हों, जो सच बोलते हों। मैं कहती हूँ आजकल मुझे औरतों में मर्द ज्यादा नजर आने लगते हैं, मर्दों में मुझे औरतें ज्यादा नजर आने लगती हैं। मैं कहती हूँ किसी मर्द को भी है, मैं कि एक औरत इवेंचुअली वो मर्द बन जाती है जैसा वो चाहती है। हाँ, मैं वो हूँ कि मैं सच बोलूंगी। अगर मुझे किसी के सामने कोई एतराफ करना होगा ना, शायद मर्द नहीं करेगा, मैं कर लूंगी। मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो सच बोलता। तो ये मोहब्बत कब हुई थी कि शादी हो गई? Yeah. कब चुपके से हुई थी? और मैं भी वहां थी और पीरू भी गए थे तुम्हारी शादी में। yes, हाँ, ये किस तरह आ गया था भाई अब्दुल्ला? अब्दुल्ला इस तरह आया था कि क्योंकि वो लिखा हुआ था, वो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ अच्छा। था। अल्लाह ने उसको, तुमने मांगा था या खुद ही चला आया था? नहीं, मैं समा टीवी पे अचानक ही, वो अचानक समा टीवी पे आया। उन्हीं दिनों में हमने ज्वाइन किया था चैनल, कुछ दिन बाद में आई, और वो शादी का कोई प्लान नहीं था, एंड शादी हो गई उसके। अब मैं शायद वो वाली वो ना कि उसके माँ बाप भी आए तो उनसे भी बात हुई, ये तो आंटी मैं आपको यहाँ पे अम्मी लेके चलती हूँ, अब आपको कहाँ जाना है, मैं आपको लेके चलती हूँ। मैं उस तरह की हमेशा से रही हूँ। तो अब्दुल्ला मुझे बहुत एक डिफरेंट बंदा, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत डिसेंट, और हम लड़कियाँ वो भी होती हैं ना कि यार मैंने इसको कहा तुम 8 बजे पहुँचो या 9 बजे पहुँच जाए, मैं किसी और को कहती तो वो 7 बजे पहुँचता। तो हम शायद थोड़ा सा उस दुनिया में, तो ही इज अ नाइस गाय। हाँ, अब्दुल्ला से मुलाकात अचानक हुई, अल्लाह की तरफ से लिखा था, एंड वो होना था, झट मंगनी पट ब्याह हो गया। हाँ, वो वाली बात। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और हमें लगा कि हम सारी जिंदगी बहुत अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, ही इज नाइस। आर यू फ्रेंड्स? अभी भी है वो, आप दोस्त हो? नो, वी आर नॉट, लेकिन हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, मुझे ये पता है। दैट्स वेरी नाइस। मुझे ये पता है कि वो कहीं पे भी होगा तो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। वो मुझे कोई तकलीफ पहुंचेगी तो उसको तकलीफ पहुंचेगी। और आज मुझे भी ये पता है, उसकी कामयाबी मुझे खुशी देगी, उसकी खुशी मुझे खुशी देगी, उसका गम मुझे गम देगा। एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी?
बहुत खुश? माय फैमिली. जब मेरी फैमिली खुश हो, जब मेरी फैमिली मेरे आसपास हो, मेरे लिए उस दिन अगर मुझे पता हो ना कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एक जगह जमा हो रहे हैं, तो पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और एक तरफ मुझे ये पता हो कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स, मेरा पूरा ख़ानदान एक तरफ जमा हुआ हुआ है जहाँ पे सिर्फ बिरयानी बनी हुई होगी या चावल बने होंगे, दाल चावल होंगे, लेकिन हम सब साथ में बैठे होंगे, मेरे कज़न्स वो सब. बस कैसी बातें करते जब सब इकट्ठे होते हैं? एक दूसरे की क्लास लेते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं. ओए अपने ड्रामे में देखा था कैसी मोटी लग रही थी, ये लग रही थी, वो लग रही थी, इस तरह की बातें. एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं. फिर जी किसी दो बहनों की आपस में लड़ाई होगी तो ले धड़ाधड़ झगड़ा लड़ाई, फिर हम बस करते हैं, फिर वो वाला होता है, फिर एंड यहाँ पर होता है, हर कोई अपने कमरे में चला जाता है. और कितनी देर लगती है दोस्ती वापस करने में? अगले दिन सुबह साथ में बैठ के खाना होता है, चाय पीनी होती है, बैठना होता है. मेरा ये था, ये मैंने सीखा था उनके घर से, जब हम नूरपुर की रानी कर रहे थे मेहताब बाबा. हाँ. के घर में टीवी एक होना चाहिए, घर में बहुत ज़्यादा टीवी नहीं होना चाहिए, हर कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए. मैंने जब ये बात सुनी थी ना, तो उसके बाद हमने रूल बनाया, जो कि अब वो हमने रूल खुद ही तोड़ दिया. अब हम सबके कमरे में टीवी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कमरे में आके बच्चे टीवी देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. नहीं आता तो मुझे बुरा लगता है कि तुम आओ मेरे रूम में आके टीवी देखो. तो इसी बहाने बैठ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं. तो जब हमारे घर में वो टीवी एक था, जब हम सब साथ में, जब मैं नूरपुर की रानी करके आई, मैंने कहा घर में टीवी एक होगा, किसी के बेडरूम में टीवी नहीं होगा. सुबह क्या होता था, मेरा और सबों का, फॉर एग्जांपल सबरीन की लड़ाई हुई किसी बात पे, हम बात नहीं करें, अब सुबह मजबूरन नाश्ता बैठ के साथ करें. अब ना चाहते भी हंसी आ जाए. हंसे तो बस, हंसे तो फंसे, फिर दोस्ती हो जाती थी. तो ये मेरा हमेशा रूल रहा है कि पहल करती हो मनाने में. हाँ हमेशा, मैं, मुझे पता होता है ना मैं गलत नहीं भी हूँ, तो भी पहल करती हूँ. मुझे सॉरी करने में अच्छा लगता है, फील गुड. जब मैं गलत नहीं भी हूँ ना, तो भी मैं सॉरी करती हूँ, आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है. कभी किसी बात मुझे छोटा बनना, झुकना अच्छा अच्छा लगता है. फैमिली के अलावा कौन अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा? मेरे दोस्त, मेरी टीम, जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, आई लव देम, मैं उनसे इश्क करती हूँ. मैं उनको बताती नहीं हूँ, मैं आज बता रही हूँ, मैं उनसे इश्क करती हूँ. मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है जिनके साथ काम करती हूँ, चाहे वो मेरी मॉर्निंग शो टीम हो, चाहे वो मेरी ड्रामे की टीम हो. हाँ मैं हाइपर भी होती हूँ, मैं गुस्सा भी करती हूँ, मैं नाराज़ भी होती हूँ. वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, चार पांच दोस्त, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. एक दो लोग और थे, मुझे लगा कि दोस्ती में भी प्यार में भी आपको धोखा नहीं देना चाहिए. जब मुझे धोखा देते हैं ना, तो उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया, तो मैं फिर हर्ट भी हुई. बट मेरे पास बहुत अच्छे, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, बट बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे उनके साथ अच्छा लगता है. हाइसम मेरा वाहिद वो दोस्त है. मेरे मैं ज़्यादा फ़ोन पर मैसेज कर सकती हूँ, मैं फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती. मुझे फ़ोन इस्तेमाल करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है. लेकिन हाइसम हुसैन जो हैं, सब लोग जानते हैं, डायरेक्टर, वो मेरा वाहिद दोस्त है जिससे मैं घंटों बात कर सकती हूँ, घंटों. और मैं उस पर घंटों बात किसी भी शो में बात कर सकती हूँ. मौत से मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है. मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं तन्हाई में नहीं रह सकती. कहाँ खड़ी यार, अब मुझे लगता है कुछ और प्लान कर रही हो. मैं मुतमईन हूँ, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अल्लाह ताला से मेरी एक दुआ होती है कि मुझे कभी किसी बात का रिग्रेट ना हो लाइफ में. मैंने जो भी लाइफ में किया, चाहे मैंने अच्छे काम, बुरे काम, अच्छे कामों का तो ऑब्वियसली रिग्रेट नहीं होगा. अगर मैंने कभी कोई ज़िंदगी में गलती की, या मैंने कभी कोई ज़िंदगी में गलत फ़ैसला किया, या मैंने कभी कुछ ऐसा किया, बस अल्लाह या मुझे कभी रिग्रेट ना देना. अपने नाम से क्या करोगी? मुझे अभी लगता है कि यार इतनी मोहब्बत मिली है. एग्जैक्टली, मुझे लगता है मैं शर्मिंदा हूँ अल्लाह ताला के सामने कि मैं कुछ नहीं कर पा रही. मैं लोगों के सामने शर्मिंदा हूँ. मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस वक्त. अल्लाह ने मुझे वो मुकाम दिया है, इस वक्त मुझे वो मुकाम दिया है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जो कि मैं अभी नहीं कर रही, बट मुझे करना है, वरना मैं अल्लाह ताला को मुंह नहीं दिखा सकती. तो अपने शो के थ्रू तुम कितना कुछ कर सकती? उसके थ्रू मैं कह रही हूँ. अच्छा, उसके थ्रू मैं कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो कम है. मुझे बहुत जितनी एनर्जी है आपके पास, एज आपके पास, टाइम है, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है. मुझे जो जहाँ से मैं ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ से मैं सिंस से ताल्लुक रखती हूँ, चाहे मैं पैदा हुई, चाहे वो थर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बच्चे हो. क्यों रह गया वो इलाका?
किसी ने कुछ किया ही नहीं उसके लिए. मुझे बहुत दुख होता है सिंध में. आप जाके देखें तो सही. मैं दुनिया में बहुत जगहों पे घूमी हूँ, लेकिन अभी भी आप मुझे ऑप्शन देंगी मैं कहूँगी मैं थर जाना चाहूँगी. आप वहाँ के लोगों से मिले, सादा लोग, प्यार करने वाले. आप इंटीरियर में जाएं तो सही, किसी भी इलाके में. मुझे शर्म नहीं होती है. मैंने कभी मांगी नहीं, मैंने कभी शौहरत को चखा ही नहीं. मैं अम्मी को कहती हूँ कि उस तरह नहीं चखा कि मुझे नहीं पता. मुझे कोई आके कहते हैं ना आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है, आपके साथ ऑटोग्राफ चाहिए आपका, आप मेरी अम्मी को अभी भी कॉल करके पूछ लें. मैंने एक दिन अम्मी को कहा था, मैंने कहा अम्मी मैं ना सिर्फ एक दफ़ा ना ये चीज़ फील करना चाहती हूँ कि मैं सनम बलोच हूँ, मैं कुछ हूँ. तो अम्मी ने मुझे बहुत प्यार किया इस बात पर. मैंने कहा अम्मी मुझे लगता है मुझे समझ नहीं आता कि लोग, मैंने ऐसा क्या किया है कि लोग मेरे साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, मैंने ऐसा क्या किया कि लोग मुझे प्यार करते हैं. चलो कोई गलत बात, तो मैं एक सेकंड के लिए और एक ये फीलिंग और जो कि गुरूर, अल्लाह ना करे कि मैं कभी उस फीलिंग को चखूं. लेकिन मैंने वो एक फरमाइश की थी, मुझे ये दो फरमाइशें याद है अपनी माँ से. मुझे था कि एक गुरूर के नहीं मैं कुछ हूँ, मतलब वही शोहरत की मैं कुछ हूँ. मैंने उस चीज़ को कभी चखा ही नहीं. मुझे आज तक नहीं पता कि उसका जायका क्या है शोहरत का और फेलियर क्या है. उसका मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है और इसलिए वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता. आप गिरते हैं उठते हैं, बचपन में कितनी दफ़ा हम गिरते हैं फिर उठते हैं, इसी तरह तो हम चलना सीखते हैं. हम खाना, हमें खुद नहीं खाना आता, हमें माँ बाप खाना खिलाते हैं अपने हाथ से, फिर हम खुद खाते हैं. फेल होंगे, गिरेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, तो ही उठेंगे, तो ही दौड़ेंगे. पहले हम क्रॉलिंग करते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर भागना सीखते हैं. तो ये एक स्टार्ट है. फेल होना तो आपके लिए एक स्टार्ट है ज़िंदगी का, लाइफ का. और ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी खूबसूरत है. लेकिन अब मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी आपकी है, ज़िंदगी आपको जीनी चाहिए अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह आप जीना चाहते हो. मैंने गलती ये की कि मैंने अपनी ज़िंदगी को, जिसमें मुझे ये भी है हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी अभी भी मैं चाहूँगी कि मैं लोगों के नाम कर दूँ. बट लोग मुझे कहें कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ये खाओ, ये पियो, ये बोलो, ये ना बोलो, ये पहनो, ये ना पहनो, ऐसी लगो, ऐसी ना लगो, बाल ये बनाओ, बाल वो ना बनाओ. नो, वो मेरी चॉइस होनी चाहिए. दैट्स अल्लाह ने ज़िंदगी मुझे दी है, वो मेरा तोहफा है लाइफ का, उसको जीने का हक अल्लाह ने मुझे दिया है. लेकिन मैंने नोटिस किया है कि हमारे पास, हमारी सोसाइटी में लड़कियों की लाइफ को जीने का हक मर्दों को दिया गया है. चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका बाप हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका मियाँ हो, वो आपकी लाइफ को जीते हैं. मैं कहती हूँ क्यों? पहले मैं नहीं समझती थी, अब मैंने समझा कि नहीं, ज़िंदगी आपकी है, अल्लाह ने आपको दी है ना. वरना अल्लाह ताला मुझे क्यों पैदा करता भाई? आप ही को सनम बना देता, आप ही जीते जैसे आप सनम को बनाना चाहते हैं. आप ही फिर समीना, फिर आप ही बन जाते समीना पीरज़ादा, फिर अल्लाह ताला आपको बना देते. कोई किसी की लाइफ को जी नहीं सकता, उसको अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए. मेरे लिए लाइफ वो है जो मेरा तोहफा है, जो अल्लाह ने मुझे दिया है, मुझे संभाल के रखना है तोहफा. आप मुझे कोई गिफ्ट देंगी, मैं किसी और को नहीं हैंड ओवर कर दूँगी. क्या समीना जी ने गिफ्ट दिया, प्लीज़ आप रख लें. क्यों? अल्लाह ने मुझे तोहफा दिया, वो मुझे रखना है, उसकी अमानत है, उसी को लौटानी है, उसी के पास जाना है. अपनी लाइफ की, अपनी गलतियों की, अपनी अच्छाइयों की आंसरेबल मैं हूँ, कोई और नहीं है. सो ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ, ओनरशिप अपनी अपनी जिंदगी, हर लड़की को, है ना. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बागी उस तरह बन जाए जिसको हाँ. शायद मैंने नहीं बोला, मे बी आपने वो, बट लाइफ को जिए अच्छे से, जिए कोई रिग्रेट ना हो. मुझे पता है, मैं इस बात पे बहुत, मुझे फ़ख्र है कि मेरे भाई शर्मिंदा नहीं होंगे कि हमने अपनी बहनों को इजाज़त दी. वो आउट ऑफ कंट्री गईं, वो बाहर गईं, अकेले ट्रैवलिंग करती हैं, बाहर जाती हैं, हर चीज़ के साथ है, लोगों से मिलती हैं, बट मेरे भाई कभी शर्मिंदा नहीं हुए होंगे. और मैं कहती हूँ कि कभी अल्लाह ताला ऐसा दिन ना आए कि मेरा बाप या मेरे भाई बहन शर्मिंदा हो मुझसे कि सनम तुमने क्या किया. हाँ, मैं कोई छोटी मोटी गलती करती हूँ, मैं उनके सामने रोती हूँ, मैं उस गलती पे भी शर्मिंदा होती हूँ कि मैं इतनी छोटी गलती भी क्यों की कि मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा. आज मेरे फादर, जो हमसे सालों बात नहीं करते थे, उन्होंने दोबारा हमसे बात नहीं की. मेरे चचा हमसे बात नहीं करते, हमारा ददियाल हमसे नाराज़ है क्योंकि हम मीडिया में काम करते हैं, तो मीडिया शायद अच्छा नहीं. क्या रिएक्शन था व्हेन यू बिकेम अ स्टार?
मुझे लगता है दिल में वो हमारी इज्जत करते हैं, दिल से वो हमसे प्यार करते हैं, ऊपर से एक वो जो एक बस वो एक सोसाइटी का प्रेशर है, एक वो हमने एक मास चढ़ा दिया ना, वो मास उतार नहीं पा रहे, वो इतना चिपक गया है, ज़बरदस्ती हमने चिपका दिया उसको बचपन से, तो अब उतारना ज़रा मुश्किल हो रहा है। बट मेरे फादर अब हम गांव जाते हैं तो बड़े फखरिया लोगों को बुलाते हैं, हमें मिलवाते हैं कि मेरी बेटियाँ ही, हम जाते हैं, हम चादर ओढ़ते हैं क्योंकि वहाँ का वो कल्चर है, वहाँ पर मुझे वही पहनना है, हम चादर ओढ़ते हैं, हम लोगों से उस तरह मिलते हैं, हम शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं, हम बाहर निकलेंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे, तो मैं बोलूँ दिस इज माई लाइफ तो मैं जीन्स पहन के जाऊँगी, मुझे जीने का नहीं, ये रिस्पेक्ट दे रही हूं, ये रिस्पेक्ट है, ये देना जरूरी अपने है लोगों को, अपने अपने गांव को, अपने अपने रिश्तेदारों को, मुझे पता है मुझे कब कहाँ क्या करना है। आई नो जब इंसान अक्लमंद होता है तो फिर इसी तरह बात करता है और इसी तरह जीता है। मौत क्या है? मौत से मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं तन्हाई में नहीं रह सकती। मैं जब छोटी भी थी ना तो मेरी हमेशा से दुआ होती थी, जिन पप्पों को मैंने देखा भी नहीं, मैंने दादी अपनी देखी भी नहीं, मेरी दो दादियाँ थी, मैंने उनको नहीं देखा, मैं कहती थी अल्लाह मियाँ मुझे ना किसी पुराने दौर में ले जाओ। मेरी अभी भी ये ख्वाहिश है कि आई विश मैं बहुत सौ साल पहले पैदा होती, मैं इस दौर में नहीं पैदा होती, मुझे लगता है मैं इस दौर के लिए नहीं हूँ। देखिए अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मैं उस चीज़ को जहन से निकालूँ, मुझे लगता है कि मुझे ना अपने वो सारे रिश्तेदार चाहिए, मुझे मेरी दादियाँ चाहिए, मेरी नानियाँ चाहिए, मेरे दादा हो, मेरे मतलब मेरे रिश्तेदार, मेरी पप्पू, सारे लोग चाहिए। तो मुझे तन्हाई से डर लगता था और मुझे लगता था जब मैं मर जाऊँगी, मैं कब्र में होंगी तो ऐसा हो कि कोई और भी मेरे साथ कब्र में, फिर मैं आराम से कब्र में मर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं कब्र में जाने के लिए तैयार हूँ। बट 2014 में मेरे कज़न की डेथ हुई, 22 साल का था उसका, उसका मर्डर हुआ, वो आर्मी में था। और उससे पहले मुझे कब्रिस्तान से डर लगता था, मुझे रात को कब्रिस्तान से गुजरते हुए डर लगता था, लेकिन जब हादी की डेथ हुई, जब वो शहीद हुआ, हम सबका फेवरेट कज़न, वो भी मिलने जुलने वाला, जोड़ने वाला सबको, कोई किसी को बोलेगा तो छुपा देगा बात, यार कोई लड़े नहीं, आपस में मिलने और साथ रहें। तो जब वो लेटा हुआ था, सामने था, मैं थ्रू आउट उसको देखती रही कि मैं उसकी शक्ल ज़िंदगी में कभी ना भूलूं। मैं हादी को सिर्फ देखती रही, उसका यहाँ पे तिल है, उसके आईब्रोज कैसी बनी हुई हैं, कैसा दिख रहा है। मेरा 22 साल का कज़न जिसकी मैं बड़ी बहन थी, उस वो ईद के थर्ड डे आया 6 महीने बाद ट्रेनिंग करके, 6 महीने की ट्रेनिंग की, एंड ही वाज सो एक्साइटेड। और उसको ईद के 3rd दिन उसको घर पे बगैर बेगुनाह बिला वजह 3 भाइयों पे गोलियां चलाई गई, जो हमारे पास वही के घर में आके स्नैचिंग और बाहर जो होती है, और वो घर में घुस गए बाइक पे थे, आज तक वो नहीं मिले, हमें नहीं पता उसको किसने मारा, किसने उसका मर्डर किया। तो जब मेरा भाई, जब उसकी डेथ हुई ना, जब मैंने उसकी बॉडी देखी, जब मुझे उससे डर नहीं लगा, तो कब्रिस्तान में तो सबके प्यारे हैं, तो मैं कब्र से क्यों डरती हूँ, फिर मैं उनके प्यारों से क्यों डरती हूँ। जब मैंने उसकी बॉडी देखी तो अब मैं किसी भी जनाजे में जा सकती हूँ। जब मेरा महबूब, मेरा भाई, मेरा बच्चा मेरे सामने, तो फिर मैं किसी और के महबूब से क्यों डरूँ कि नहीं नहीं हमें जनाजे से डर लगता है, हम नहीं देख सकते। अब मैं देख सकती हूँ, मुझे भी मरना है, मुझे भी जाना है। मुझे लगता है अब जब मैं मरूँगी तो मैं अपनी नानी से मिलूँगी, मैं अपने नाना से मिलूँगी, मैं अपने दादा से मिलूँगी, मैं हादी से मिलूँगी, अपनी उन सब से मिलूंगी। मेरे मुझे लगता था कि मैं अकेली होंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि If I die, I meet them. उनसे मिलूंगी। आई डोंट नो अल्लाह ताला मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं पता, बट मेरे रिश्तेदार मुझसे, आई मिस माय नानी अम्मा, आई मिस माय नाना, मुझे खोने से डर लगता है, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे वो माय फादर, अल्लाह उनको मुझसे लंबी जिंदगी दे, वो बीमार होते हम डर जाते। मम्मी के लिए दुआ करती, मैं भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ। कभी कभी जब मैं बहुत
जब मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हूँ, थोड़ी सी, मैं अभी भी नहीं हूँ। अभी भी मैं कभी सोचती हूँ बस मर जाऊँ, मैं ना जीऊँ, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। मैंने बीच में एक फेज आया मुझ पर, या कभी अगर मैं सोचती हूँ कि मर जाऊँगी तो क्या होगा, हादी भी तो चला गया ना, फुट तो चली गई ना, नानी भी तो चली गई ना, नाना भी तो चले गए, मेरे जाने से क्या होगा। बट मुझे ये पता है कि आपके मरने के बाद पीछे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, हमारी हर खुशी में, हमारी हर चीज़ में, हमारे ये रिश्ते होते हैं, हम एक दूसरे से जिक्र नहीं करते कि कोई और अपसेट ना हो, बट हम उनको मिस करते हैं। तो अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, एटलीस्ट अब मैं मौत से ऊपर आ गई। मुझे मौत से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, और मुझे इस बात की खुशी होती कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, मुझे कब्र से डर नहीं लगता। थैंक यू मेरी जान।